जय हो सरस्वती माता की जय हो। आज मैं आपको बेताल और विक्रम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रोता हूँ, जब राजा विक्रम बेताल को ले जा रहा था, बेताल उड़ गया और बेताल को इसने राजा ने झट से पकड़ लिया। बेताल कह रहा है, राजा तो बहुत हठीला है, तो अपनी हट को मानेगा नहीं। चल दिया राजा बेताल को लेके। बेताल बोला, चल मैं रास्ते में तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। और राजा तो बीच में बोला, मैं वहीं पर उड़ जाऊंगा। ठीक है, बेताल कह रहा है राजा से, देख एक गांव में एक लड़का रहता था, वो मंद बुद्धि का था, बहुत मोटा ताजा था। उसका नाम था भोला और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। और वो प्रतिदिन अपना काम सही से करता था, मगर उसकी मार रोज होती थी क्योंकि वो अपनी गलती से बाज नहीं आता था। एक दिन की बात है, वो सो रहा था और उसे सपने में देख रहा था कि पड़ोस में मेरे एक शादी आ रही है, शादी में कुछ डकैत होंगे और वो सारा माल लूट के ले जाएंगे। जैसे ही उसकी सपने में आँखें खोली और उसने पड़ोस में बारात वालों को बता दिया, तुम्हारे यहाँ शादी आएगी, उसमें डकैत आएंगे, फिर सामान सब लूट के ले जाएगा। उन्हें यह शगुन लगा, उन्होंने उसे मारा और पीटा, बेचारा चिल्लाने लगा। फिर बाद में बारात आई, उसमें डकैत आए, उसे मारा पीटा टा, फिर उससे कहा, अरे इसे कैसे पता लगता है। कोई बात नहीं, उसकी बहुत पिटाई कर दी। ऐसे ही चलता रहा श्रोताओं। एक दिन की बात है, वो फिर सो रहा था और सपने में देख रहा पड़ोस में एक बहुत बड़ा विशाल शोरूम खुल रहा है कपड़े का, उसका उद्घाटन होगा, वहाँ पर दीपक जलाएगा, उसके बाद में दीपक जलने के बाद में दीपक से वहाँ आग लग जाएगी, पूरी दुकान पूरा शोरूम नष्ट हो जाएगा। जैसे ही वो श्रोताओं मंद बुद्धि लड़के भोला को वो उद्घाटन के जो पहले लड्डू देने आया, तो उसने कहा, भैया आपकी दुकान 2 घंटे बाद जल के नष्ट हो जाएगी। तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्रोध हुआ, भय हुआ कि 2 घंटे बाद में दुकान में दीपक से आग लग गई, जल गई। फिर उसने कहा, इसी लड़के ने कहा था, भोला ने, उसे मारने लगे, पेटने लगे। सुन सुन रहे राजा, बेतार राजा से कह रहा, सुन रहे, हाँ, क्योंकि राजा बोलता तो वो उड़ जाता। फिर इसके बाद में वो चल दिया बेचारा, बहुत चोट लगी थी, अब वो घर से निकल चुका। रास्ते में चलते 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 उसकी एक महाराज से मित्रता हो जाती है। महाराज ने कहा, तुम इस जंगल में कहाँ भटक रहे थे? तभी बोला, बोला कि मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ, कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, इतना हट्टा कट्टा शरीर है कि नहीं मिल रही है, कि आप क्या करोगे? कि मैं ये करूँगा, मैं आपका पहरेदार बन जाऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप पहरेदार बन जाओ, मेरा पहरा देने लगना। ठीक, राजा ने उसे पहरे पे नौकरी दे दी और अपने जिस कमरे में रहते थे उसके बाहर उसे पहरे पे खड़ा कर दिया। रोज की तरह वो खड़ा रहता था। एक दिन उसने सोचा कि रात में सारे लोग सो रहे हैं, मैं भी सो जाऊं। वो भी सो गया। श्रोता ध्यान से सुनिए, जब वो सो गया उसने सपने में देखा कि पास में एक बहुत ऊंचा विशाल शहर है और उसमें हमारे राजा जा रहे हैं। फिर वहाँ भूकंप आ गया और मेरे राजा तबाह हो गए। अब वो जब सपने में देखा उसने, अब उठा सो के, अब राजा को कैसे बचता है? फिर भी उसने राजा को बता दिया कि महाराज आज शहर में आप मत जाओ। राजा बोले, मेरा बहुत काम है उस शहर में, कि आप जाओगे तो उस शहर में भूकंप आ जाएगा, आप मर जाओगे। तभी सेनाओं और सभी लोगों ने कहा, भाई इस भोला की, आज भोला ने कुछ सोच समझ के कहा, आप मत जाओ ना। तभी राजा विचार विमर्श करके उस दिन नहीं गया। पता लगा थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद सूचना आ गई कि उस शहर में भूकंप आ गया, सारे लोग मर गए। अब राजा ने कहा उससे कि आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको इनाम देना चाह रहा हूँ। राजा से इनाम देने की बात की तो कहा कि तुम्हें कैसे सब कुछ पता लगता है? तो राजा से उसने बोला, ने कहा, मुझे सपने में आया, मैंने सपन देखा था कि आप उस शहर में जाएंगे तो मर जाएंगे, उस शहर थोड़ी देर बाद तहस नहस हो जाएगा। तो राजा
विक्रम से राजा ने उन्हें एक सोने का स्वर्ण का इनाम दिया और उसे बर्खास्त कर दिया नौकरी से। ये बताओ राजा की उस भोला ने जान बचाई, फिर राजा को नौकरी से, भोला को नौकरी से क्यों राजा ने निकाल दिया? बता विक्रम बता, तो बहुत ही न्याय प्रिय राजा है, बता जल्दी। तभी विक्रम बोला कि उसने इनाम वाला काम ये करा, उसने जान बचाई इसलिए उसे इनाम दिया गया, मगर उसे नौकरी से इसलिए निकाला गया राजा बेताल क्योंकि उसने स्वप्न देखा था, क्योंकि स्वप्न जो स्वप्न होता है वो बगैर सोए नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो अपनी नौकरी वफादारी से नहीं कर रहा था, लापरवाही सा कर रहा था और उसे सोने की आदत थी, वो उसे सपना आ गया, क्योंकि पहरेदार की नौकरी में सो नहीं सकता था इसीलिए उस राजा ने उसे बर्खास्त कर दिया। वाह विक्रम तो बोल दिया तो बहुत ही न्याय पर ये राजा है, मैं उड़ चला। फिर बेताल उड़ चला। श्रोता आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।